यान कैसे हो आप सब। तुम्हारा भाई दोबारा से नेड का वर्सेस का वीडियो लेके आ चुका है। अच्छा, इस बार मैं बहुत खतरनाक खतरनाक नेडर को बुलाया हूँ वर्सेस करने के लिए, जो काफी फेमस यूट्यूबर है प्लस खतरनाक नेडर भी है। तो आज मैं जिन नेडरों का वर्सेस करने वाला हूँ इंडिया के टॉप 10 नेडर में से आते हैं, तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को ना शुरू से लेकर अंत तक देखना, स्किप करोगे तो मिस करोगे। तमीज में रहो बेटा, तमीज में बाबा। तो गाइस तुम्हारा पहला बंदा है ना एस पर आया, जो रीजन के टॉप 1 पर बैठा हुआ है। लीडर बोर्ड पे टॉप 2 पर शो हो रहा है, बट ना टॉप 1 वाला हैकर है। यहाँ पर तुम इसे केडी देख सकते हो, 7 का केडी है इसका। लगेंगे बेटा तुम्हारे तो। यहाँ पे इंडिया के बेस्ट नेडर है दोनों, ठीक है। एक है गुजरात से, जो की भाई इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है टॉप 1 पर, ठीक है। यहाँ पर कैसे हमारा पहला कस्टम स्टार्ट हो चुका जो है एस पर अयान से। आज मैं अयान का बनाऊंगा ऑमलेट, मतलब पहलका ऑमलेट बनाऊंगा अयान को। अरे अरे भाई, मेरे यहाँ पर 9999 का पिन चल गया था। क्या मूवमेंट है भाई, क्या मूवमेंट है, देख रहा है ब्रो। मूवमेंट है ब्रो, ग्रेनेड ब्रो, देखो ब्रो, जय महाराष्ट्र। अरे ब्रो, इसे बोलते हैं असली क्रिंच ब्रो। आया भाई, ये होता है असली नेडर। और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना। यहाँ गाइस सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है, अयान मेरे पर नेड का आतंक मचा चुका है। एक तरफा विन है भाई, एक तरफा विन है। ये तो वही मैच होगा, आरसीबी वर्सेस सीएसके। आरसीबी बैटमैन भाई और सीएसके अपना अयान, ये दोनों चप्पल चोर यहाँ पर मेरे बेइज्जती करे कमेंट्री में। अब देखो गाइस, तुम स्टार ऑफ स्टार यहाँ पर बैटमैन स्टार आ चुके है और यहाँ पर जा भी चुके हैं। पेड़ छोड़ के गन गेम में इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अरे ब्रो, एक तरफा मैच भी नहीं भाई, एक तरफा मैच भी। तो पहली बार तो ऐसे लोगों को आप उतनी गालियां दो जितनी आपको आती हैं, जितनी नहीं आती लोगों से पूछ कर दो। यहाँ पर कैसे मैं लगातार ना 3 राउंड हार जाता हूँ शुरू के, क्या मैं यहाँ पर कम बैक कर पाऊंगा अब। और ये पिछले साल आरसीबी ने कम बैक किया था, क्या इस बार भी बैटमैन कम बैक कर पाएगा, क्योंकि आरसीबी इज इक्वल टू बैटमैन। एक सेकेंड गाइस, अरे साउंड आ गया क्या, एडिटर कट कर देना बड़ा, कट कर देना इसको। सुन यान, तू मेरा भाई है ना, पिलाऊंगा क्वार्टर विदाउट वाटर, मर जा भाई मेरे नेड से, मर जा भाई। अरे मर गया भाई साहब, मैंने क्या मारा हूँ भाई, कोई भी हो कहीं से घंटा फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा कि बैक में हार में। अरे भाई, अरे यान भाई, क्या किया आपने साइड नीड ब्रो। सुनो गाइस, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैटमैन, सी फॉर क्या, मैं यहाँ पर कमबैक कर पाऊंगा। न्यूज़ क्या जा रहा है, क्या लगता है बैटमैन भाई यहाँ पर आरसीबी की तरह कमबैक कर सकते हैं। अरे बैटमैन भाई, भाई यहाँ पर कैसे मैं आरसीबी की तरह कमबैक कर चुका हूँ, फाइनल मैच में जा चुका हूँ, क्या यहाँ पर फाइनल जीत पाऊंगा। लगता है बैटमैन, अरे बैटमैन भाई, भाई अगर कमबैक हो गया ना, मैं अपने पीसी पे कूद जाऊंगा आईसो स्पीड की तरह, अगर कमबैक हो गया तो। गाइस बस मैच जीतने तो पूरा फिल्म बना दूंगा। यहाँ पे अयान ने भी नेट मारा था, लेकिन डैमेज काफी कम आया है, बैटमैन को डैमेज नहीं आया। क्या लगता है ब्रो, नहीं यार, नहीं कैसे सकता ये। यहाँ पर कैसे मैं हनी सिंह की तरह कमबैक करके खतरनाक तरीका से यहाँ पर जीत चुका हूँ पहला कस्टम। भाई एक खतरनाक सा नेडर बुलाता हूँ बैटमैन, जो मैच मेकिंग करके ना बड़े बड़े क्रिएटर्स को हराता है, ठीक है। बहुत ज्यादा खतरनाक नेडर है ये, देखो भाई ये रमन। कैसे आप देख सकते, दूसरा कस्टम आ रहा है पर रमन गेमिंग के साथ है, जो बड़े बड़े स्ट्रीमर क्रिएटरों को ना मैच मेकिंग करके नेड से मारता है खतरनाक तरीका से। बैटमैन वर्सेस आर्यमैन, रमन, बैटमैन वर्सेस रमन, ठीक है। यहाँ पर सेकंड कस्टम स्टार्ट हो चुका है, क्या मैं रमन को हरा के मैं सेकंड कस्टम जीत पाऊंगा। यहाँ पर दिवाली से पहले रमन को यहाँ पर छोटा सा गिफ्ट दे देता हूँ मैं। क्या लगता है ब्रदर भाई, यहाँ पे लेकिन नहीं ब्रो, यहाँ पे बैटमैन भाई ने काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से। यहाँ पर मैं सेकंड राउंड यहाँ पर रमन से पीट जाता हूँ। यहाँ पे लेकिन रमन का जलवा, रमन ने अपना जलवा दिखा दिया ब्रो। यहाँ पर कैसे मेरे हाथ में होता बम, जो अच्छा चुक कर देता है तंग। यहाँ पर रमन कुछ ज्यादा ही मूवमेंट दिखा रहा है, बट उसको पता नहीं है मेरे पास है नेड का हैक। रमन भी लाइक जूस पिला दो मोसंबी का, जूस पिला दो, मूड ऑफ है मेरा। क्या लगता है ब्रो, लेकिन बैटमैन भाई का क्या नेड है भाई, लेवल सबके निकलेंगे जो मेरे से कस्टम हारेगा। ज्यादा नहीं रमन, बस 2 राउंड और हार जा फिर तेरा लेवल निकल जाएगा। यहाँ रमन हारने को तैयार ही नहीं, अपना अलग लेवल में खेल रहा है। क्या मैं इस राउंड में रमन को हरा के मैं अपना अलग लेवल निकाल पाऊंगा।
सेवन भाई झुक के रहना पड़ेगा मेरे सामने। लगता है दोस्तों यहाँ पे मैच ही विजेता कौन होने वाले हैं, रमन वर्सेस बैटमैन। लेकिन बैटमैन भाई क्या खतरनाक निर्माण रहे भाई, क्या खतरनाक गेम प्ले हो रहा है ब्रो। इसे बोलते हैं इंडिया का असली लीडर, कोई नहीं है ब्रो, कोई भी नहीं है। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रहे, देव मानुष निकला मार रहे रमन भाई। मुझे लगता है कि इस मैच में आ सकता है ट्विस्ट, रमन भाई का हो सकता है कमबैक। जी हाँ माय गॉड ब्रो, जी हाँ दोस्तों, जी हाँ। मैं भाई मुझे माफ कर दो, यहाँ पर कैसे रमन देसी दारू पी के आ गया, कहीं भी नेट फेंक रहा, कहीं भी मार दे रहा नेट से। हार जा भाई, मैं तेरे को मैं गर्लफ्रेंड गिफ्ट कर दूंगा। भाई ये रमन क्या खेल रहा है भाई, कहीं कमबैक ना कर ले भाई यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा, आइडिया छीन टपाक डम डम। नेट करने का स्टाइल देखो भाई, क्या लैग नेट हो, क्या नेट मार रहे भाई बंदा, गेम बॉट भाई। रिपोर्ट मार, रिपोर्ट मार, रिपोर्ट मार, देखना रिपोर्ट मार भाई, जो बंदा पूरे नेट के हेड मार रहे रिपोर्ट मार। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस जो हमारा तीसरा कस्टमर है वो है आरवी बदनाम के साथ है। बदनाम भी मैच मेकिंग करके ना बड़े बड़े स्टीमरों को हराता है, ना काफी खतरनाक नेड मारता है। क्या मैं बदनाम का वर्मा से वर्मा हरा पाऊंगा? सैड इमोजी। मैंने भी बदनाम भाई का बहुत नाम सुना है, लिख रहे हैं पे बदनाम भाई, क्या लग ब्रो भाई, काफी ज्यादा सच लिख दिया। 4-0 लिख रहे हैं, 4-0, ये 4 और 0 लिख रहे हैं। तो चलो एक बार स्टार्ट की जाए मोहित ब्रो, लेट्स गो। यहाँ पर इस थर्ड कस्टम को फर्स्ट राउंड स्टार्ट हो चुका है, क्या मैं बदनाम का बदमोशी निकाल पाऊंगा इस कस्टम में? यहाँ मेरे हाथ में होता नेड और यहाँ पर पिन करता और यहाँ पर फेंकता हूँ। अरे यार यहाँ पर मेरा फोन का डिस्प्ले बाहर निकल गया था भाई। यहाँ पे बदनाम भाई का काफी ज्यादा खतरनाक नेड आ रहा है। और ये लो नेडर का वो धनवा दिखा दिए खुद पे। यहाँ पर कैसे फर्स्ट राउंड हारने के बाद मैं सेकंड राउंड भी हार जाता हूँ, थर्ड राउंड में यहाँ पर हार जाता हूँ बदनाम से। क्या मैं पर कमबैक करके बदनाम को हरा पाऊंगा दोबारा से? गाइस यहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक नेट, लेकिन बदनाम का काफी ज्यादा खतरनाक नेट ब्रो। यहाँ पर फोर्थ राउंड स्टार्ट हो चुका है, मैं यहाँ पर बदमाश का बदमाशी निकाल पाऊंगा या मैं बदमाश यहाँ 4-0 हार जाऊंगा? भाई यहाँ पर उसको 105 का नेट का डैमेज है, यहाँ पर मैं नेट दोबारा पिन करता हूँ, बदमाश की तरफ फेंक देता हूँ। यहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक डैमेज आया यहाँ पे बदनाम भाई को। यहाँ पे नहीं ब्रो, बैटमैन का काफी ज्यादा खतरनाक नेट और पहले बदला लेने का समय आ गया भाई। क्या मुझे आज बैटमैन मुझे बचा पाएगा, मतलब मैं खुद को बदनाम से बचा पाऊंगा? बदनाम भाई हार गया, मेरे से लेवल निकल जाएगा तुम्हारा। अरे अरे भाई क्या मारा मैंने आपको नेट से, मैच में आ सकता है ट्विस्ट। और दोनों नेट को कर दिए और ये फिगर ये बैटमैन भाई क्या नेट मारा भाई। यहाँ पे मैंने सोचा कि बैटमैन इनको करते हुए और ये बैटमैन की नेट फेंक दिया ब्रो। क्या यार ये कैसे कर रहे हो, बदनाम भाई कमबैक कर रहे हो, बदनाम भाई तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम किससे मर रहे हो ब्रो? मैं स्क्रीन तोड़ दूंगा, मैं अपना स्क्रीन तोड़ दूंगा अगर ये बैटमैन जीत गया तो। मैं जा रहा हूं ब्रो, खत्म। यहाँ पर किस तीन तीन का सिचुएशन हो जाता है, क्या मैं बदनाम को हरा के उसका घमंड तोड़ पाऊंगा? बदनाम भाई ये लो गिफ्ट मेरा दिवाली से पहले का। यहाँ पर कैसे काफी खतरनाक तरीका से कमबैक करके बदनाम क्या पर हरा चुका हूँ यहाँ पर मैं। करो या मरो वाला सिचुएशन है, करो या मरो वाला। और ये भाई बैटमैन भाई कैसे जीत कैसे हो सकता है ये भाई, भाई, भाई क्या मुंह में लग गए बदमाशी दिखा रहा था। हाँ भाई बदमाश निकल गई बदमाशी। हेलो हेलो, अरे मेरे नेट नहीं चल रहा था आयुष भाई यार, नेट नेट नहीं भाई, तुम्हारा गेम प्ले नहीं चल रहा था ब्रो। अरे वॉइस नहीं आ रही आयुष भाई, कोई ना भाई भाई। और मेरे जान आपको वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट सेक्शन जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन तो यार ऑन कर ही लेना। और आपने अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा जाकर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा।